नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे कौन सी कथा है। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की आराधना सबसे पहले की जाती है। कोई भी प्रमुख व्रत, त्यौहार, विवाह और अनुष्ठान बिना भगवान गणेश की आराधना किए शुरू नहीं किया जा सकता। सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी ही हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर शुभ कार्य में भगवान गणेश की पूजा वंदना नहीं होती है, वह कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों में भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे बने गणेश जी अग्र पूज्य देवता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने से पहले अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि जब तक मैं नहाकर न निकलूं तब तक किसी को भी अंदर न आने देना। बालक गणेश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर पहरेदारी करने लगे। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण करके कहने लगी कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं मानी। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हाथिनी ही ऐसी मिली जो बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होता है। ये थी पहली कथा और दूसरी अन्य कथा भी है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। वही गणेश जी के सबसे पहले पूजे जाने के पीछे एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार दोनों शिव पुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि माता पिता किसे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। जब यह बात भगवान शिव पता चली तो उन्होंने दोनों के बीच छिड़ी बहस को शांत करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने की सोची। इसमें सभी देवी देवता मौजूद थे। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, जो भी अपने अपने वाहन से पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही विजेता होगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय फौरन ही अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। वही भगवान गणेश भी अपने वाहन चूहे के साथ तैयार हुए। तभी उनके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लूँ।
इस संसार में माता पिता से बड़ा और कोई भी नहीं है। तब गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा की। जब कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को विजेता घोषित किया। तभी से सबसे पहले किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी। ये थी जानकारी कि भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे की कथा के बारे में। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।